ग्वार की फली बनाने के लिए हमने 250 ग्राम ग्वार की फली ली है, जिनको हमने तोड़ लिया है और दो तीन पानी से धो लिया है। ग्वार की फली टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये फली गुच्छे में आती है, देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको चाकू वगैरह से नहीं काटते हैं बल्कि इसको हाथ से ही तोड़ते हैं, क्योंकि साइड में इसके जो नसें होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं। तो इस तरीके से हाथ से तोड़ के इसके जो साइड के रेशे हैं उसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सभी फलियों के रेशे निकाल लिए हैं। तो अब ये फलियाँ तैयार हैं फ्राई करने के लिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर एक प्रेशर कुकर रखेंगे और उसमें डाल देंगे एक चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छा गर्म करेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें कटे हुए हम लहसुन की कलियां और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब लहसुन और लाल मिर्च फ्राई हो जाएगी यानी कि गोल्डन हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई ग्वार की फली और इसको तेल के साथ में थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। जब फलियां अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब इसमें डाल देंगे आधे छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच मिर्च और इन फली को हम बिना पानी के ही बनाएंगे। तो हम कुकर की लिड लगा देंगे और एक विसिल आने तक ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगी तो फलियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। एक विसिल आने के बाद हम कुकर की लिड खोल कर देखेंगे तो फलियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा इनको और भून लेंगे। तो इस तरह से हमारी ग्वार की फली बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनकर तैयार हुई है। ऐसे ही ग्वार की फली अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको सर्व कर लेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।